कविताओं को पढ़ने का एक किस्म का अतिरिक्त दबाव रहता है। आप किसी को देखते हैं और आपको कविता याद आती है। मैंने इन चाचा को देखा और मुझे धूम मिल की कविता मोचीराम याद आ गई। जब लॉकडाउन हुआ तो हमें लगा कि जो लोग अपनी दिहाड़ी पर जीवित हैं उनकी ज़िंदगी कैसी चलेगी। तो इस सिलसिले में जब हम यहाँ सड़क से गुजर रहे थे तो यहाँ रुक गए ताकि ज़रा समझे जाने। चाचा क्या नाम है आपका? सुदामा नाम। कितने सालों से ये काम कर रहे हैं आप? साल तो बच्चे से कर रहे हैं, 10-15 वर्ष कर रहे हैं। आए थे वहीं से आप 10-15 के थे? हाँ। और यहीं बैठते हैं? ऐसे ही यही। अच्छा। बाहर भीतर नहीं गए हैं? बाहर भीतर नहीं गए। और ये जो बगल में बैठा है ये कंपटीटर है आपका कि रिश्तेदार है? हाँ। यही ना है ये बच्चा? नाय पे बैठता है, टोला का भतीजा लाएगा। टोला का भतीजा? तो इसको आप ही सिखाए हैं क्या? ना हम नहीं सिखाए। नहीं सिखाए? हमने तो सीखे है। तो ऐसे झगड़ा तो नहीं होता? नहीं, 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 नहीं झगड़ा करता है पूरा। नहीं झगड़ा नहीं। तो कितना पैसा हो जाता है चाचा दिन भर का? इसका कोई ठीक नहीं है। 50, 100, 200, 250 हो ना, कोई 200-5। हाँ, एक तो आजकल लोग चमड़ा का जूता भी कम पहनता है ना। काम कुछ घटा है कि बड़ा है? काम तो होटल में बढ़ रहा है। कहाँ बात, प्लास्टिक के सब चिया ची ये सब बोला। ये जैसे चप्पल का अगर मरम्मत करवाना कितने रुपए में हो जाता है? 5 रुपया इसके बनाएंगे तो। किसको बनाएंगे तो? 5। बेचते भी हैं चप्पल? ना जी नहीं। जैसे अगर हमको अपना जूता पॉलिश करवाना है तो कितना पैसा लगेगा? 10 रुपया। 10 रुपया और बढ़िया चमक जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि आपका वोटर कार्ड बना है? पर आधार कार्ड? अच्छा, राशन कार्ड भी बना है? राशन कार्ड भी है। राशन कार्ड। तो अभी जो लॉकडाउन रहा तब तो काम बंद रहा होगा? हाँ, काम तो बंद रहा। अच्छा, तो फिर घर कैसे चला? कुछ अनाज वगैरह मिला? अरे घर से सरकारी अनाज मिल गई, घर की कमाई खिल मानी सो। सरकारी अनाज मिला? हाँ मिला। कितना? मिला 24 किलो, 28 किलो बराबर मिलता रहा? 28 किलो। तो उससे कुछ मदद भी रही होगी? कुछ और पैसा ऐसा भी वृद्धावस्था पेंशन को मिल जो है? 400-500 और तो महीने महीने विधा पेंशन ये मिला मिला के। अच्छा, तो और सरकार क्या करे जिससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो? कुछ मांग है आपकी सरकार से? मांग तो जरूरी है, गरीब का कुछ भी सुगोस्ता करे सरकार तब। अच्छा। जैसे प्रधानमंत्री आवास बनता है गरीबों के लिए, तो आपने अपने गांव में मुखिया वगैरह से पूछा आपका नंबर आया अभी कि नहीं? नहीं, मुखिया तो कुछ सवाल नहीं सुनता है। मुखिया से हम लोग कहते हैं कुछ भी नहीं पूछता है। मुखिया नहीं पूछता? नहीं, कुछ नहीं पूछता है। कहते हैं वोट मांगने आता है मुखिया आपसे? आता है। तो पूछते नहीं है कि वोट ले जाते हो? कहते हैं जाएगा तो मिलेगा, नहीं आएगा तो नहीं मिलेगा। नहीं आएगा? ऐसा कुछ कमाई के चक्कर में तो नहीं रहता मुखिया? कार्य तो कमाता नहीं होगा, कमाते होगा। कमाता होगा? कमाता है। ये सब कमाई के लिए ही मुखिया बनता है? सब कमाई के लिए। अच्छा चाचा, ये बताइए कि आपके यहाँ विधानसभा का चुनाव है तो कौन कौन कैंडिडेट है मैदान में? मैदान में कैंडिडेट चौधरी अपनी बात तो नाम तो उतना ना पता है। मोटा माटी किसी का नाम पता है जो बड़े बड़े मेन पार्टी के कैंडिडेट हो? भगवान तारकेश्वर सिंह, केदार सिंह। तारकेश्वर सिंह किस पार्टी से हैं? झोपड़ी साहब से। अरे बोल दीजिए भाई। हाँ, झोपड़ी साहब से। झोपड़ी से तारकेश्वर सिंह। और केदार सिंह ललटेन छाप से। ललटेन छाप से केदार सिंह। हाँ, और वीरेंद्र ओझा फूल छाप से। कौन सा छाप? फूल छाप से। फूल छाप से वीरेंद्र ओझा। हाँ, तो किसका चुनाव यहाँ ठीक लग रहा है? चुनाव तो ठीक लगता है एक तरह से सिंह का, झोपड़ी छाप का। हाँ। अच्छा, क्या किस वजह से ठीक लग रहा है? जैसे वोट उसका है, गरीब मदद करता है। गरीब की मदद करता है। यहाँ आप काम करते हैं, पुलिस वुलिस परेशान तो नहीं करती? नहीं, कुछ नहीं। सेहत ठीक रहती है आपकी? कुछ खेती भी है थोड़ा बहुत? ना जी, पुलिस का हाथ कोई नहीं। खेती है थोड़ा बहुत? खेती आपका? नहीं, खेती नहीं है बिल्कुल, कुछ नहीं है। बटैया सरैया बुआला, जैसे राइन खेत बा, खेत उनका खेत बा। राइस सरैया बुआला क्या बोते हैं? गेहूँ चावल धान चावल। तो खाने भर का निकल खाने भर का राज है। चलिए, आयुष्मान कार्ड बना है आपका? जब वो कोई नहीं, आधार कार्ड है। नहीं नहीं, वो डॉक्टरी वाला कार्ड नहीं बना ना। चाचा किसका माहौल लग रहा है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री जो बने। कोई नेता आपको ठीक लगता है? नेता तो ठीक लगता है। कौन ठीक लगता है? अब कोई, अब हम कुछ कहेंगे, अभी सियासी बनेगा तो हम बताएंगे। सब तो आपका हाथ जोड़ रहा है, आप वोटर हैं, आप ही बताएंगे ना। हम क्या बताएंगे? नहीं बताएंगे। हम बाजार में बैठे आदमी खूब से आना होता है।